हाई एवरी वन माई नेम इज़ विकास राउत वेलकम टू माई चैनल डिजिटल प्राइम फ्रेंड्स थैंक यू सो मच आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए आप सबकी सपोर्ट और प्यार की वजह से ही हम लोगों ने फाइव थाउजेंड प्लस सब्सक्राइबर अचीव कर लिए हैं डिजिटल प्राइम प्लेटफॉर्म पर सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग डिजिटल प्राइम कीप सपोर्टिंग डिजिटल प्राइम फ्रेंड्स आज इस वीडियो में दो मेजर स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं पहला जो एम एस वर्ड एप्लीकेशन में एक मेजर फंक्शन है उसके बारे में दूसरा कॉरपोरेट कंपनीज़ में एच आर डिपार्टमेंट जब इम्प्लॉय रिज़ाइन कर देता है या टर्मिनेट कर दिया जाता है उस सिनेरियो में एच आर डिपार्टमेंट एफ एन एफ जो एफ एन एफ फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करती है उस प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सब के लिए ये जानना अगर आप एक सैलरीड इम्प्लॉयी हैं तो और आपको एम एस वर्ड में अपना एडवांस प्रोसेस तक रीच करना है अपने नॉलेज को इन्हेंस करना है तो आप के लिए ये पर्टिकुलर वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है तो स्टार्टिंग से एंड तक आप इस वीडियो में बने रहिए डेफिनेटली आपको सारे प्रोसेस मैं यहाँ पर करके दिखाने वाला हूँ तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक्सेल में ये डेटा जो है बना के रखा है राइट right. तो यहाँ पर जो है एक आ, पूरा डेटा मैंने एम्प्लॉई का मेंशन करके रखा है उनकी नेम डिपार्टमेंट डिजिग्नेशन जो बेसिक डिटेल होती हैं वो और उसके साथ ही साथ कुछ लास्ट के जो मेजर कॉलम्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ इम्पॉर्टेंट कॉलम्स हैं बहुत ही ज़्यादा तो टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देखते हो सो so, सबसे पहला जो इम्प्लॉई है यहाँ पर आप देख सकते हो मैं एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय के बारे में बता रहा हूँ आलोक कुमार के बारे में वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एच आर एग्जीक्यूटिव दिल्ली लोकेशन और यहाँ पर उन्होंने रेजिग्नेशन दिया हुआ है टाइप ऑफ सेपरेशन में आप देख सकते हो और जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है उनका यहाँ पर फिफ्थ जैन ट्वेंटी ट्वेंटी और डेट ऑफ रेजिग्नेशन फर्स्ट में और लास्ट वर्किंग डे जो है थर्टी फर्स्ट ऑफ मे है यानी कि जब उन्होंने रेजिग्नेशन दिया फर्स्ट ऑफ मे को तो उनका लास्ट ऑफ वर्किंग डे जो है थर्टी फर्स्ट ऑफ मे यानी कि कंपनी अगर वन मंथ नोटिस पीरियड रखती है अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग यहां पर इस एम्प्लॉय ने टोटल थर्टी डेज का नोटिस पीरियड सर्व किया है उस सिनेरियो में इस एम्प्लॉय का एफ एफ यानी कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट यस होगा डेफिनेटली कंपनी को एफ सेटलमेंट करनी होगी नोटिस पीरियड रिकवरी जीरो होगा क्योंकि उसने कंप्लीट अपना नोटिस पीरियड सर्व किया है और यहां पर लीव बैलेंस में मैं आपको बता रहा हूं ये ई है अर्न लीव्स बेसिकली थर्टीन लीव्स उसके ब्रैकेट में है तो इस वजह से थर्टीन लीव्स के पेमेंट भी कंपनी को करने होंगे उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को और ये लीव अवेल्ड कॉलम जो है स्पेसिफाई करता है आपको कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स हैं वो उस टाइम ड्यूरेशन में यानी कि फर्स्ट फिफ्थ ऑफ जैन से लेकर के थर्टी फर्स्ट ऑफ मे 2022 तक कितने टाइप के लीव इसने और कितने कितने लीव अवेल किए हैं अपने वर्किंग ड्यूरेशन टाइम पीरियड में तो ये यहां पर सेवन कैजुअल लीव टू अर्न लीव फाइव एल डब्ल्यू पी यानी कि लॉस विदाउट पे सॉरी लीव विदाउट पे और यहाँ पर डिडक्शन जो है जीरो है तो ये तो पहला सिनेरियो था अब हम यहां पर बात करते हैं नोटिस पीरियड रिकवरी एक जो मतलब कि केस है यहां पर आप देख सकते हो 14, यानी कि थर्ड इंप्लॉय तो आप यहां पर थर्ड इंप्लॉय देख सकते हो एमडी शेख ये एम्प्लॉई की बात अगर हम करते हैं तो इस एम्प्लॉई का अगर आप डेटा देखोगे तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग एलेवेंथ ऑफ अप्रैल 2022 है और रेजिग्नेशन डेट जो है फिफ्टींथ में 2022 यानी कि ये एम्प्लॉई ने सिर्फ इस एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक मंथ काम किया और रेजिग्नेशन जो है यहां पर इसने फिफ्टींथ ऑफ मे को दिया बट एज पर कंपनी पॉलिसी वन मंथ नोटिस पीरियड है तो यहां पर इस पर्टिकुलर एम्प्लॉई का जो लास्ट वर्किंग डे होना था वो था इस specific 14th of जून राइट फोर्टीन ऑफ जून होना चाहिए था क्योंकि तभी जाकर के एक मंथ का नोटिस पीरियड कंप्लीट होता है इस पर्टिकुलर इंप्लॉय के लिए राइट बट यहां पर इसने लास्ट वर्किंग डे जो है थर्टी फर्स्ट ऑफ मे यानी कि थर्टी फर्स्ट ऑफ मे को ही ये इंप्लॉय छोड़ करके कंपनी को चला गया तो उस सिनारियो में एफ एन एफ एप्लीकेबिलिटी जो है नो no हो जाती है यहां पर आप यश yes भी कर सकते हो बट उसमें नोटिस पीरियड रिकवरी टाइम पीरियड भी देखना पड़ता है नंबर ऑफ डेज तो यहां पर आप देख सकते हो फोर्टीन डेज का जो है यहां पर नोटिस पीरियड रिकवरी होगा क्योंकि फोर्टीन तो जून को इसका लास्ट वर्किंग डे होना चाहिए था एज पर पर्टिकुलर नोटिस पीरियड पॉलिसी के अकॉर्डिंग बट इसने थर्टी फर्स्ट ऑफ मे को ही कंपनी को रिजाइन करके कंप्लीटली लास्ट वर्किंग डे कंसिडर किया और फिर वो कंपनी को छोड़ करके चला गया तो so इस सिनेरियो में फोर्टीन डेज का पैसा जो है कंपनी डिडक्ट करेगी उसके पर्टिकुलर बैलेंस से राइट right? तो फोर्टीन डेज का यहां पर आप देख सकते हो नोटिस पीरियड रिकवरी है और उसके बाद लीव बैलेंस यहां पर आप देख सकते हो सेवन यहां पर देखोगे तो, 7 तो से आप रिकवर कर पा रहे हो लेकिन आप पर देख सकते हो तो लीव अवेल एट ईएल सेवन एलडब्लूपी और फोर्टीन डेज डिडक्शन है लेकिन यहां पर आप देख सकते हो सेवन ही बैलेंस है उसके लीव में और सेवन डेज स्टिल पेंडिंग है तो वो सेवन डेज जो है बेसिकली कंपनी वहां पर कंपनी एम्प्लॉ को नोटिस भेज सकती है या कंपनी एम्प्लॉय को अप्रोच करके वो फोर्टीन डेज का रिकवरी के लिए पूछ सकती है यहां पर ये सिनेरियो एग्जिस्ट हो सकता है राइट right. तो इस तरीके से पर्टिकुलरली दो सिनेरियो हैं यहां पर ऑप्शकॉन्डिंग के और टर्मिनेशन के भी सेम प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं यहां पर इस तरह से आप डेटा मेंटेन कर सकते हो ये फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हो आप चाहो तो मैं यहां पर इस फॉर्मेट को लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा आप इस फॉर्मेट को भी यूज कर पाओगे अपने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए राइट तो ये एचआर डिपार्टमेंट के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ये जानना होगा कि एफएनएफ प्रोसेस कैसे किया जाता है राइट अब यहां पर मैं दूसरा फॉर्मेट आपको दिखाता हूं वर्ड में आप यहां पर देख सकते हो कि मैंने ये फॉर्मेट इस पर्टिकुलर टेबल में टेबल के फॉर्म में बना के रखा हुआ है तो अब यहां पर इन सारे प्रोसेस को इन सारे इंप्लॉय के डेटा को आपको फिनेंस डिपार्टमेंट को भेजनी होगी सारे क्लियरेंस करके सारे डॉक्यूमेंटेशंस को प्रॉपर uh, एग्जीक्यूशन्स की तरह से उनके डी उनके मेल उनके आईटी प्रोसेस को आईटी गैजेट को रिसीव करने के बाद और मेल्स uh, को डीएक्टिवेट करने के बाद सारे गैजेट्स को डीएक्टिवेट करने के बाद जो है सारे अथॉरिटीज़ uh, को डीएक्टिवेट करने के बाद जो है फाइनल मेल वो सारे

टॉपिक जो मैंने कवर कर दिया दूसरा था जो एम एस वर्ल्ड से रिलेटेड था और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है सभी के लिए तो ये फंक्शन है मेल मर्ज का जो मेल मर्ज आप यूज़ करके ये टोटल टेन मेंबर्स का एट अ टाइम डॉक्यूमेंट आप कैसे यहां यहां पर पर प्रिपेयर करोगे आप अभी आप ये अभी देख सकते हो एक ही डॉक्यूमेंट है राइट बट मैं जब मेल मर्ज यूज करूंगा तो टोटल टेन इंप्लॉइज के सारे डॉक्यूमेंट्स यहां पर प्रिपेयर हो जाएंगे इस एम एस वर्ड में तो चलिए फ्रेंड्स मैं यूज करके दिखाता हूं आपको यहां पर मेल मर्ज का फंक्शन सबसे पहले आपको जाना है यहां पर होम टैब में राइट एम एस वर्ड के और फिर ये जो डॉक्यूमेंट है आपको ऐसे ही रहने देना है और सेम आपको यहां पर मेलिंग का एक ऑप्शन दिखता है मेलिंग का मेन्यू आपको मेलिंग मेन्यू में जाना है और फिर आपको यहां पर आप देख सकते हो सेलेक्ट रिसिपिय राइट सेलेक्ट पर आपको क्लिक करना है फिर आपको यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद जो ये, ये जो आपका एक्सेल का सीट होगा वहां पर आपको जाकर के उस एक्सेल सीट को सेलेक्ट करना है फिर आपको उस एक्सेल सीट को ओपन कर लेना है राइट right? तो अभी जो आप देख सकते हो यहां पर कुछ जो ऑप्शन है वो हाईलाइट हो गए यहाँ पर राइट right? पहले ये ग्रे कलर में थे तो अब यहाँ पर मैं सिंपली कंपनी यहां पर मैं यहां पर कर्सर क्लिक कर देता हूं और यहां पर आप इंसर्ट मर्ज फील्ड ऑप्शन आप देख सकते हो इस पर आप सिंपली क्लिक करोगे तो यहां पर सारे के सारे कॉलम्स यहां पर नेम्स आप, आपकी स्क्रीन पर अपीय अपियर हो जाएंगे और आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जिस डेटा को जैसे आप फ्रेम करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग उसे यहां पर सेट कर सकते हो तो यहां पर मैं कंपनी कंपनी सेलेक्ट करता हूं यहां पर मैं यहां पर कंपनी सेलेक्ट कर लेता हूं फिर आप यहां पर देख सकते हो इंप्लॉई आई मैं यहां पर इंप्लॉई आईडी को सेलेक्ट करता हूँ उसी तरह वन बाय वन करके आपको सारे ऑप्शंस को आ, उस फील्ड नेम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है राइट right? फिर आपको डिपार्टमेंट है नेक्स्ट जो है आपका ऑप्शन वो है डेजिग्नेशन राइट right? फिर नेक्स्ट आपका लोकेशन फिर नेक्स्ट आपका टाइप ऑफ सेपरेशंस है टाइप ऑफ सेपरेशन आपको रख लेना है फिर रीजन ऑफ लिविंग यहां पर आप रीजन ऑफ लिविंग देख सकते हो फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन है डेट ऑफ रेजिग्नेशन फिर नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट वर्किंग डे नेक्स्ट एफ एंड एफ एप्लीकेबिलिटी फिर नेक्स्ट ऑप्शन है नोटिस पीरियड रिकवरी नेक्स्ट ऑप्शन है लीव बैलेंस नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हो लीव अवेल्ड फिर लास्ट ऑप्शन आप देख सकते हो डिडक्शंस तो यहाँ पर मैंने सारे ऑप्शन वन बाय वन करके सेलेक्ट कर लिए हैं इंसर्ट मर्ज फील्ड से और यहाँ पर आप देख सकते हो ए बी सी प्रिव्यू रिजल्ट पर यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे कि सारे ऑप्शन ऑटोमेटिकली फिल हो गए फिर आपको एक मेजर ऑप्शन uh, आपको यहाँ पर मिलता है एक यहाँ पर लास्ट रिकॉर्ड का फर्स्ट रिकॉर्ड का फिर यहां पर आपको लास्ट रिकॉर्ड का यहां प्रीवियस रिकॉर्ड का और यहां पर नेक्स्ट रिकॉर्ड का आप यहां नेक्स्ट रिकॉर्ड पर ये जो एंगल है एरो यहां पर आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो एम्प्लॉ का नेक्स्ट डिटेल जो है जो नेक्स्ट एम्प्लॉय होगा उसका डिटेल इसमें फिल हो जाएगा आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली सारे डेटा चेंज होते जा रहे हैं अब यहाँ पर ये सीट तो सिर्फ एक ही है राइट यहाँ पर सीट एक ही है आप देख सकते हो बट हमें यहाँ पर एक्सेल सीट में अगर आप देखोगे तो यहां पर टेन डेटा है राइट टेन एम्प्लॉयज हैं तो वो टेन एम्प्लॉय का इंडिविजुअल हमें ऐसा फॉर्मेट कैसे हमें प्रिपेयर करना है अब यहां पर मैंने ये सारे मेल मर्ज प्रोसेस को यूज़ करके इसको कंप्लीट कर दिया अब यहां पर आप देख सकते हो फिनिश एंड मर्ज का ऑप्शन इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है और एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पर आपको क्लिक करना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप यहां देख सकते हो नीचे पेज वन ऑफ टेन यानी कि टोटल टेन के टेन जो है फॉर्मेट हमारे रेडी हो गए हैं सारे एफ एन एफ प्रोसेस जो है डॉक्यूमेंट हमारे सारे इंप्लॉइज का डॉक्यूमेंट रेडी हो चुका है आप यहां पर देख सकते हो राइट right? तो ये एक बहुत ही सिंपल और सिंपल uh, सा प्रोसेस था मेल मर्ज का बट uh, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही पावरफुल फंक्शन uh, है ये एम एस वर्ल्ड में और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बहुत सारी स्पेसिफिक uh, और इम्पॉर्टेंट नॉलेज आपको मिली होगी ये वीडियो स्पेशली मैं बता दूं सैलरीड इम्प्लॉयी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था आपको जानना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एफ एन एफ जो है कैसे प्रोसेस होता है यानी कि एच आर डिपार्टमेंट के किसी कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली उनका प्रोसेस स्टेप बाई स्टेप अलग हो सक हो सकता है डिफरेंट हो सकता है बट सिमिलैरिटी ऐसी ही कुछ होती है राइट तो मेरा मोटिव यही था कि मैं आपको बताऊं कि बेसिकली मेल मर्ज कैसे आपको यूज़ करना है और एफ एन एफ प्रोसेस को आप कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो और आपको यहां पर एफ एन एफ का जो वैल्यू होता है जितना दिन आप नोटिस पीरियड सर्व करते हो ऑर्गेनाइजेशन में उतना दिन का पेमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन तो करती ही है बट अगर आपने जो है आपकी बिहेवियर और पंक्चुअलिटी प्रॉपर नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में तो कहीं ना कहीं ये आपको एफ़ एन एफ में इफ़ेक्ट कर सकता है और आपके करियर पर भी एफेक्ट कर सकता है तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हो तो पर्टिकुलरली आप अपने करियर पर फोकस करो आप नई चीजें लर्न करो ऑर्गेनाइजेशन में और अपने करियर पर फोकस करके आप अपने करियर में आगे बढ़ो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब डिजिटल प्राइम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए डेफिनेटली आई वुड लव टू प्रिपेयर द वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक टॉपिक मीनवाइल थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग डिजिटल प्राइम Keep supporting Digital Prime. Thank you so much.